गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मनीषा मैम हियर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू क्लास 8. इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. इट्स एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. इस टेंस का यूज़ होता है उस एक्शन को डिनोट करने के लिए जो पास्ट टाइम के किसी पीरियड ऑफ टाइम में लगातार हो रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड्स वर सॉल्विंग द सम. मेरे फ्रेंड्स सम सॉल्व कर रहे थे. तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो किसी पीरियड ऑफ टाइम में सम सॉल्व कर रहे थे. आई वॉज ब्रूमिंग माई रूम. मैं अपना रूम ब्रूम कर रही थी. मतलब मैं अपना रूम किसी पीरियड ऑफ टाइम में ब्रूम कर रही थी. ब्रूम मतलब झाड़ू मार रही थी. दिस टेंस इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट हैबिट ऑफ पास्ट. इस टेंस का यूज़ आपके जो पास्ट टाइम की हैबिट होती है जो आप लगातार कर रहे होते हो उसकी उसको बताता है. He was continuously biting his nails. मतलब वो लगातार अपने nails काटता रहता था. She was always watching TV. वो हमेशा TV watch करती रहती थी. तो इस example से आपको clear हो गया कि ये इसके persistent habit की बात हो रही है. Very often we use the simple past and the past continuous together to suggest that something happened when another action was in progress. अक्सर करके हम simple past और past continuous को एक साथ use करते हैं बताने के लिए कि कुछ हुआ. ओके, जब दूसरा एक्शन प्रोग्रेस में था. जैसे वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वॉज वर देन वी फाइव देन ऑब्जेक्ट. ये आपका स्ट्रक्चर है इसका. वेन द फोन रैंग. जब फ़ोन की घंटी बजी. ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न. वो टेलीविज़न वॉच कर रहा था. मतलब जब ये एक्शन प्रोग्रेस में था तब क्या हुआ, फ़ोन की घंटी बजी. स्ट्रक्चर वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आपको क्या यूज़ करना होता है, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब. देन वॉज, हाउ डू यू हैव टू यूज़. वॉज इज़ यूज विद सिंगुलर पर्सन विद आई ही शी इट नेम. एंड वर्ब इज़ यूज विद प्लूरल पर्सन लाइक यू विद दे. स्ट्रक्चर यू कैन सी अफर्मेटिव सब्जेक्ट वॉज वर वी फाइव देन ऑब्जेक्ट. नाउ एग्जाम्पल यू कैन सी शी वॉज मेकिंग हर नोट्स. वो अपना नोट्स बना रही थी. इन एनी पीरियड ऑफ टाइम शी वॉज मेकिंग हर नोट्स. दे वर वॉशिंग दियर कार्स विथ पोर्टेबल वाटर. वे लोग अपनी कार को पीने वाले पानी से धुल रहे थे. पोर्टेबल पानी वाटर मतलब पीने योग्य पानी. ओके, वाटर जो आप पी सकते हो. नेगेटिव सब्जेक्ट वॉज वर नॉट वी फाइव देन ऑब्जेक्ट. वैन आई कॉल्ड माई मदर शी वॉज नॉट बॉइलिंग द मिल्क दैट टाइम. जब मैं अपनी माँ को बुलाई उस वक्त वो दूध बॉयल नहीं करी थी. यू वर नॉट अटेंडिंग मैथ्स क्लास यस्टरडे. तुम कल मैथ्स क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे. She was not having her breakfast. वो अपना breakfast नहीं कर रही थी. In interrogative sentence, was her subject we have then object. Was she studying at night? क्या वो रात में पढ़ाई कर रही थी. Were they having water balls? क्या वे लोग गोलगप्पे खा रहे थे. गोलगप्पे को हम बोलते हैं water balls. Interrogative negative, was her subject not we have then object. Was my brother not buying funnel cake? क्या मेरा भाई जलेबी नहीं खरीद रहा था. जलेबी की इंग्लिश होती है funnel cake. Were they not eating fritters? क्या वे लोग पकौड़ियाँ नहीं खा रहे थे. नो इंट्रोगेटिव थर्ड डब्ल्यू एच टू आस्क क्वेश्चन. डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फाइव देन ऑब्जेक्ट. वाई वॉज ही लिकिंग एन आइसक्रीम. वो आइसक्रीम क्यों लीक कर रहा था. वेन वर दे हेल्पिंग द पुअर. वे लोग पुअर को गरीब लोग को कब हेल्प कर रहे थे. आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. थैंक यू.